स्टूडेंट्स आजकल दौर टेक्नोलॉजी का दौर है और आप देख सकते हैं कि हमारी डेली लाइफ में डेली यूज़ में बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती हैं जैसे हमारे मोबाइल फोन्स हैं डिफरेंट रेडियोस, कैलकुलेटर्स ये तमाम चीज़ों में अगर आप देखें तो बैटरीज़ यूज़ हो रही हैं स्टूडेंट्स बैटरी हम ऑब्ज़र्व करते हैं दो टाइप्स की होती है कुछ ऐसे सेल्स होते हैं या ऐसी बैटरीज होती हैं जिन्हें हम एक दफ़ा इस्तेमाल करते हैं और वो ख़त्म हो जाती हैं वो दोबारा इस्तेमाल नहीं हो सकती और कुछ बैटरीज ऐसी होती हैं जिन्हें हम दोबारा से रीचार्ज करते हैं और एक से ज़्यादा दफ़ा इस्तेमाल कर सकते हैं तो स्टूडेंट्स ऐसी बैटरीज़ या ऐसे सेल्स जो सिर्फ एक ही दफा इस्तेमाल हो सकते हैं उसके अलावा आप उसमें इस्तेमाल नहीं कर सकते इस तरह के सेल्स को हम क्या कहते हैं प्राइमरी सेल्स ठीक है प्राइमरी सेल्स बेसिकली दे आर नॉन रिचार्जेबल ठीक है नॉन रिचार्जेबल अगर आपको प्राइमरी सेल्स की एग्जांपल्स दूं तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स ड्राई सेल्स हैं एल्कल बैटरीज हैं ये डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में यूज़ होती हैं ड्राइज के अंदर रेडियस के अंदर इसी तरह से स्टूडेंट्स सिल्वर ऑक्साइड बैटरीज भी हैं जो कि बहुत ज़्यादा एफिशिएंट मानी जाती हैं एनर्जी के लिहाज से ठीक है लेकिन थोड़ी सी कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी हैं मर्करी सेल्स भी हैं ये मर्करी सेल स्टूडेंट्स पहले इस्तेमाल किए जाते थे कैलकुलेटर्स में इसी तरह से डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में लेकिन इनका एक नुकसान ये था कि जब हम इन्हें डिस्पोज करना चाहते थे यानी इसको ख़त्म करना चाहते थे तो मर्करी जो है वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है इन्वामेंट के लिए इन्वामेंट के कंसर्न की वजह से हमने इसको बैन कर दिया ठीक है इसी तरह से स्टूडेंट्स दूसरे सेल्स जो के चार्ज हो सकते हैं एक से ज्यादा दफा इस्तेमाल हो सकते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे दे आर द सेकेंडरी सेल्स ठीक है इन्हें आप सेकेंडरी सेल्स भी कह सकते हैं रिचार्जेबल सेल्स भी कह सकते हैं ठीक है तो यहां पर हम आगे मेंशन कर देते हैं दे आर रिचार्जेबल इसकी एग्जांपल आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे भी लेड एक्यूमलेटर जिसे हम लेड एसिड बैटरी भी कहते हैं इसी तरह से निकेड है निकल कैडमियम बैटरी और इसके अलावा स्टूडेंट्स आजकल हमारी मॉडर्न लाइफ के अंदर फ्यूल सेल्स भी इस्तेमाल होते हैं फ्यूल सेल्स बेसिकली ज़्यादातर आप कह लें एस्ट्रोनस के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होते हैं क्योंकि इनके बाय प्रोडक्ट्स में वाटर बनता है जो कि ये स्पेस में ड्रिंकिंग परपज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि लेड एक्यूमुलेटर दैट इज द सेकेंडरी सेल ठीक है एंड रिचार्जेबल इसकी कंपोजिशन देखेंगे इसका यूज देखेंगे लेड एक्यूमुलेटर कहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है और फर्दर इसके अंदर कैसे रिएक्शंस हो के हम इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं स्टूडेंट्स एक और बात मैं आपको यहाँ पर समझा दू कि प्राइमरी सेल्स से रिचार्जेबल क्यों नहीं होते उसकी वजह यह है कि स्टूडेंट्स प्राइमरी सेल्स के अंदर ऐसा रिएक्शन होता है जो रिवर्सिबल नहीं होता इरिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं प्राइमरी सेल्स में इस वजह से हम उन्हें रिचार्ज नहीं कर पाते जबकि सेकेंडरी सेल्स इनके अंदर इस तरह के रिएक्शंस होंगे जिन्हें रिवर्स किया जा सकता है रिवर्सिबल रिएक्शंस होंगे ठीक है थोड़ी एनर्जी हम इन्हें प्रोवाइड करते हैं और रिएक्शंस को रिवर्स करके हम अपनी बैटरी को चार्ज कर लेते हैं तो स्टार्ट करते हैं लेड एक्यूमुलेटर लेड एक्यूमुलेटर स्टूडेंट्स दिस इज अ सिंपल कार बैटरी क्या है ये यूज एज कार बैटरी ठीक है गाड़ी में आपने स्टूडेंट्स इस बैटरी को देखा होगा ठीक है ये गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए और डिफरेंट आप देखेंगे गाड़ी में हेडलाइट्स को आ, एनर्जी से चाहिए होती है करंट चाहिए होता है और इसी तरह से गाड़ी के डिफरेंट पार्ट्स हैं जिन्हें करंट की जरूरत होती है तो यही बैटरी होती है जो गाड़ी में करंट प्रोवाइड कर रही होती है ठीक है स्टूडेंट्स दूसरी बात कि लेड एक्यूमुलेटर बैटरी इट इज अ सेकेंडरी सेल सेकेंडरी सेल है रिचार्जेबल है इट्स मीन इट कैन स्टोर एनर्जी तो इसे हम स्टोरेज सेल भी कह सकते हैं ठीक है इसके अंदर एनर्जी स्टोर हो सकती है और जब हमें जरूरत हो तब हम इस एनर्जी को इस्तेमाल कर सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट स्टूडेंट्स के जब हम इस बैटरी को चार्ज करना चाहेंगे तो हमें डायरेक्ट करंट सप्लाई करना होगा ठीक है पासिंग डायरेक्ट करंट ल चार्ज इट ठीक है अगर आप इस बैटरी को चार्ज करना चाहते हैं तो आप इसको डायरेक्ट करंट सप्लाई करेंगे डीसी करंट सप्लाई करेंगे फिर ये बैटरी चार्ज होगी और जब बैटरी फुली चार्ज हो जाएगी तो फिर ये आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेगी कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी वेन फुली चार्ज ठीक है फुली चार्ज बैटरी होने पर ये इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करेगी जब भी आप इसके साथ कोई डिवाइस अटैच करेंगे तो वो इसे करंट प्रोवाइड करेगी ठीक है और आहिस्ता आहस्ता डिस्चार्ज होती जाएगी स्टूडेंट्स अब हम लेड एक्यूमुलेटर बैटरी जो ये आप कह लें कि लेड एसिड बैटरी है इसकी कंस्ट्रक्शन देखते हैं कि ये बनता कैसे है इसका इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है स्टूडेंट्स आपके सामने ये लेड एक्यूमुलेटर है या जिसे आप लेड एसिड बैटरी भी कहते हैं अब हम इसका अगर इंटरनल स्ट्रक्चर देखें तो आप देख सकते हैं कि एक टिपिकल लेड एक्यूमुलेटर जो है इसके अंदर कितने सेल्स मौजूद हैं सिक्स सेल्स मौजूद हैं हर सेल का वोल्ट कितना है दो वोल्ट है एक सेल जो है वो टू प्रोड्यूस करता है तो ओवरऑल सिक्स सेल्स हैं तो आप देख सकते हैं कि बैटरी के ऊपर ट्वेल्व वोल्टन है स्टूडेंट्स अब आप देखें कि ईच सेल कंटेन्स टू लेट ग्रेड्स पैक्ड विद द इलेक्ट्रोड मटेरियल। अब ये यहाँ पर इलेक्ट्रोड कौन कौन से हैं? आप स्टूडेंट्स देखें तो हमारे पास कैथोड जो है स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देख सकते हैं दैट इज पाउडर्ड लेड ऑक्साइड ब्राउन कलर का आपको नजर आ रहा है और एनोड जो है स्पॉन्जी लेड का बना हुआ है स्टूडेंट्स ये एक सिंगल सेल की कंपोजिशन है सिंगल सेल का कैथोड और एनोड है और इसी तरह से ये जो सिक्स सेल्स हैं इन तमाम सेल्स में इसी तरह से कैथोड और एनोड मौजूद हैं ठीक है स्टूडेंट्स फर्दर फाइबर ग्लास शीट्स हमने इन ग्रिड्स के दरमियान रखी हुई हैं ताकि इनके दरमियान कोई फिजिकल कॉन्टैक्ट ना हो सके स्टूडेंट्स अब आप देख सकते हैं कि इन सिक्स सेल्स के अंदर हमने इलेक्ट्रोलाइट फिल किया हुआ है दैट इज थर्टी परसेंट सल्फ्यूरिक एसिड जिसकी डेंसिटी क्या है वन पॉइंट टू फाइव ग्राम पर सी एम क्यूब ठीक है अब स्टूडेंट्स इस बैटरी को आप किसी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ अटैच करेंगे तो आ, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होने के नतीजे में इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा और उस इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होने की वजह से हमने जो भी इंस्ट्रूमेंट इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट लगाया होगा इस बैटरी के साथ अटैच किया होगा उसमें से करंट पास होगा ठीक है अगर आप बल्ब लगाएंगे तो बल्ब वो कर जाएगा अगर आप ये कार की बैटरी है तो अगर हमने इसे कार के इंजन के साथ अटैच किया हो तो कार का इंजन जो है यानी इंजन स्टार्ट करने में इस्तेमाल हो सकता है गाड़ी की हेडलाइट्स ऑन करने में ये इस्तेमाल हो सकता है इवन के आप देखें कि गाड़ी के जो वाइपर्स uh, होते हैं वो भी uh, इसी बैटरी की मदद से जो करंट प्रोड्यूस होता है उससे मूव करते हैं स्टूडेंट्स ये था सारा सेटअप लेट एक्यूमुलेटर बैटरी का आप स्टूडेंट्स डिटेल में डिस्कस करते हैं कि आखिर कैथोड और एनोड पे क्या रिएक्शन होता है जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक करंट है वो प्रोड्यूस होगा कैसे ये बैटरी डिस्चार्ज होगी ड्यूरिंग द टाइम और हम इसे रिचार्ज कैसे करेंगे जी स्टूडेंट्स अभी हमने देखा के, कैथोड हमारे पास लेड एक्यूमुलेटर में क्या था लेड ऑक्साइड एनोड क्या यूज किया था हमने स्पॉन्जी लेड इलेक्ट्रोलाइट हमारे पास थर्टी परसेंट सल्फ्यूरिक एसिड था ठीक है यानी बेसिकली हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं रेस्ट ऑफ द थिंग इज वॉटर ठीक है और इसकी डेंसिटी कितनी है 1.25 ग्राम पर इलेक्ट्रोलाइट की डेंसिटी ये है ठीक है वोल्टेज अब क्या था हमने कहा था कि ईच सेल प्रोड्यूसेज टू वोल्ट ठीक है टू वोल्ट फॉर सिंगल सेल आपने देखा था कि सिक्स सेल्स जो है वो सीरीज में कनेक्ट थे तो सिक्स सेल्स कितना वोल्टेज प्रोड्यूस करेंगे फॉर सिक्स सेल्स ठीक है छह सेल्स के लिए बैटरी जो है छह सेल से बैटरी कितना करंट प्रोड्यूस करेगी दैट इज ट्वेल्व वोल्ट स्टूडेंट्स अब हम देखना चाहते हैं कि ये सेल जो है कैसे वर्क करेगा डिस्चार्ज किस तरह से होगा जैसे जैसे ये इलेक्ट्रिक सिटी प्रोड्यूस करता जाएगा तो इसकी डिस्चार्जिंग कैसी होगी क्या केमिकल चेंजेस आएंगी स्टूडेंट्स हमने गैल्वेनिक सेल्स पढ़े थे जिसमें हमने कहा था कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस होते हैं जिनके नतीजे में इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है तो यहाँ पर ये बैटरी भी uh, इसके अंदर क्या हो रहा है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो रहा है जिसकी वजह से क्या करंट प्रोड्यूस होगा तो आप कह सकते हैं कि ये एक गैल्वेनिक सेल है ठीक है तो ये इस गेलवेनिक सेल की डिस्चार्जिंग कैसे होगी स्टूडेंट्स हमने पढ़ा था कि गलवैनिक सेल में एनोड से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं और कैथोड से एंटर होते हैं सोल्यूशन के अंदर कैथोड इलेक्ट्रोड से एंटर होंगे तो एनोड पे क्या होगा स्टूडेंट्स एनोड इज लेड लेड सॉलिड इलेक्ट्रोड जो है ये सोलूशन में से सल्फेट आइन्स के साथ रिएक्ट करेगा लेड की क्या हो जाएगी ऑक्सीडेशन क्योंकि एनोड पे क्या होती है ऑक्सीडेशन होती है लेड कन्वर्ट हो जाएगा लेड आइंस में ठीक है और दो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज कर देगा और ये जो सल्फेट आइंस हैं ये लेड सल्फेट के साथ मिलकर सॉरी ये सल्फेट आइंस जो हैं लेड आइन्स के साथ मिलकर क्या बना देंगे सॉलिड लेड सल्फेट ठीक है जो कि डिपॉजिट होता जाएगा एनोड पे ठीक है आप इसी प्रोसीजर को यहाँ पर सेल में भी देख सकते हैं ये सिंगल सेल हम कंसीडर कर रहे हैं लेड एक्यूमिलेटर का आप देखेंगे वो उनकी ऑक्सीडेशन हो रही है और सल्फेट आइन सॉल्यूशन में से लेड आइन के साथ कंबाइन होकर लेड सल्फेट बना रहे हैं जो कि फर्दर डिपॉजिट होता जा रहा है एनोड इलेक्ट्रोड पे अब स्टूडेंट्स हम देखेंगे कि कैथोड पे क्या रिएक्शन हो रहा है कैथोड पे हम देखते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन्स एंटर होते हैं कैथोड पे तो क्या होता है कि जो हाइड्रोजन आइंस होते हैं सोल्यूशन के अंदर क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड हमने लिया हुआ है जो प्रोटॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स रिसीव करते हैं और हाइड्रोजन uh, एटम बन जाते हैं ये हाइड्रोजन एटम जो है वो लेड ऑक्साइड के ऊपर अटैक करते हैं और क्या बनता है PbO ठीक है लेड डाइऑक्साइड से लेड ऑक्साइड बन रहा है यहाँ पर और स्टूडेंट्स आप देखेंगे एक वाटर मॉलिक्यूल बना है ये लेड ऑक्साइड जो है फर्दर सल्फेट uh, आइन्स के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बना देगा लेड सल्फेट बना देगा और फर्दर एक और वाटर मॉलिक्यूल बन जाएगा स्टूडेंट्स अब ये डिटेल रिएक्शन uh, हम कंसिडर नहीं करेंगे हमारी बुक में एक शॉर्ट सा रिएक्शन है हम वो लिखेंगे कैथोड पे क्या होगा लेड ऑक्साइड प्लस फोर प्रोटॉन्स सल्फेट आइंस सोल्यूशन में से और ये इलेक्ट्रॉन्स जो रिसीव हुए हैं ये क्या होगा यहाँ पर रिडक्शन होगी और लेड सल्फेट बनेगा जो कि डिपॉजिट हो जाएगा कैथोड पे और इसी तरह से टू वाटर मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे ठीक है अब ओवरऑल रिएक्शन क्या होगा ओवरऑल रिएक्शन मैं यहाँ पर लिखती हूं लेड सॉलिड जो कि एनोड है लेड ऑक्साइड दैट इज आर कैथोड और इसी तरह से फोर प्रोटॉन्स प्लस टू सल्फेट आइंस हमें क्या प्रोडक्ट देंगे लेड सल्फेट एंड टू वाटर मॉलिक्यूल्स ठीक है स्टूडेंट्स ये हमारा ओवरऑल रिएक्शन होगा जब हमारा आ, सेल जो है वो डिस्चार्ज होता जाएगा यानी जैसे जैसे इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता जाएगा तो दोनों इलेक्ट्रोड्स पे आप देख सकते हैं कि लेड सल्फेट की जो लेयर है वो डिपॉजिट होती जाएगी एक टाइम आएगा कि जो इलेक्ट्रोड्स हैं हमारे वो पूरे के पूरे लेड सल्फेट की लेयर से कवर हो जाएंगे और यहाँ पर रिएक्शन जो मजीद नहीं प्रोसीड होगा और अब हम कह सकते हैं कि हमारी बैटरी जो है वो डिस्चार्ज हो गई है ठीक है अब फर्दर इस बैटरी से कोई करंट प्रोड्यूस नहीं होगा अब स्टूडेंट्स इस बैटरी को चार्ज कैसे किया जाए चार्ज करने के लिए हमें रिएक्शन को रिवर्स करना होगा पहले स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो रहा था अब हमें नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन करवाना पड़ेगा जैसे कि हमने इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स में पढ़ा था कि अगर हम एक बैटरी सोर्स लगा दें जिससे नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को प्रोसीड करवाया जाए यानी कि अब हमारी जो बैटरी है वो गैल्वेनिक सेल के तौर तो पर नहीं एक्ट करेगी बल्कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल के तौर तो पर एक्ट करेगी जब आप इसे रिचार्ज करेंगे ठीक है रिचार्जिंग कैसे होगी कि हम करंट सप्लाई करेंगे और उससे रिएक्शन को रिवर्स करवाएंगे तो स्टूडेंट्स फिर हम देखते हैं कि हमारे पास रिएक्शन क्या होता है कि एनोड पे देखें पहले ये रिएक्शन था अब इस रिएक्शन का रिवर्स हो जाएगा लेड सल्फेट ये रिएक्शन जो है ऑपोजिट हो जाएगा ये टू इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करेगा और किस में चेंज हो जाएगा लेड सॉलिड एंड सल्फेट आइन जो है वो सोल्यूशन के अंदर एंटर होते जाएंगे ठीक है और कैथोड जो है कैथोड पे भी रिएक्शन रिवर्स हो जाएगा कि लेड सल्फेट यहां पर टू वॉटर मॉलिक्यूल्स लेड ऑक्साइड ठीक है प्लस फोर प्रोटॉन्स प्लस सल्फेट आइंस और यहां पर टू इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होंगे ठीक है इसका मतलब है कि अब एनोड पे क्या हो रही है रिडक्शन और कैथोड uh, पे हो रही है ऑक्सीडेशन ठीक है रिवर्स रिएक्शन होने की वजह से हमारे इलेक्ट्रोड जो हैं वो वापस हमें मिल जाएंगे ठीक है एनोड जो है वो अगेन लेड सॉलिड बन जाएगा और कैथोड जो है वो लेड ऑक्साइड दोबारा से अपीयर हो जाएगा ये लेयर जो है वो लेड सल्फेट की जो डिपॉजिट हुई थी वो खत्म होना शुरू हो जाएगी ओवरऑल रिएक्शन में यहां पर आपको मैंशन कर देती हूँ टू लेड सल्फेट प्लस टू वाटर मॉलिक्यूल्स प्लस लेड सॉलिड प्लस लेड ऑक्साइड प्लस यहां पर फोर प्रोटॉन्स एंड टू सल्फेट आइन्स ठीक है तो ये ओवरऑल रिएक्शन हो जाएगा रिचार्जिंग का स्टूडेंट्स जब आपकी बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है तो तब उसकी डेंसिटी चेंज हो जाती है ठीक है चार्ज बैटरी की डेंसिटी क्या थी 1.25 तो यहां पर डिस्चार्ज की बैटरी क्या होगी 1.15 ग्राम पर सीएम क्यूब होती है ठीक है जब आप इसे रीचार्ज कर लेते हैं रीचार्ज करने से बैटरी की डेंसिटी अगेन 1.25 ग्राम पर सीएम क्यूब हो जाती है ठीक है इसी तरह से स्टूडेंट्स जब बैटरी डिस्चार्ज होती है तो तब उसके वोल्ट्स भी 12 वोल्ट्स नहीं रहते और जब आप उसे रीचार्ज कर लेते हैं तो 12 वोल्ट्स जो है वो दोबारा से उसके मेंटेन हो जाते हैं और अब आप इस रीचार्ज सेल को दोबारा से इस्तेमाल कर सकते हैं ठीक है स्टूडेंट्स होता ये है कि अभी तो हमारी बुक में ये लिखा हुआ है ना कि चार्जिंग और डिस्चार्ज सॉरी डिस्चार्जिंग और रिचार्जिंग जो है हम एक सेल की करवाते जाते हैं लेकिन क्या होता है कि जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट है सल्फ्यूरिक एसिड है ये बार बार बैटरी डिस्चार्ज होने से और रिचार्ज होने से क्या हो जाता है डीकम्पोज हो जाता है तो हमें इसको चेंज करना पड़ता है और दूसरा ड्रॉबैक ये भी है लेड एक्यूमलेटर का कि विद द पैसेज ऑफ टाइम या आप कह लें कि ये जो बैटरी होती है ये इसको ज़्यादा टाइम जो होता है डिस्चार्ज स्टेट में गुजारना होता है तो डिस्चार्ज स्टेट में ज़्यादा देर रहने की वजह से क्या होता है ज़्यादा लेड सल्फेट जो है इलेक्ट्रोड्स पर जमता जाता है डिपॉजिट होता जाता है अब उसको रिमूव करना मुश्किल हो जाता है जब रिमूव करना मुश्किल होगा तो उसकी जो आप कहते हैं एफिशेंसी उसके ऊपर इफेक्ट होगा ठीक है एक टाइम ऐसा भी आ सकता है कि दोनों इलेक्ट्रोड्स पे एनोड और कैथोड पे लेड सल्फेट इतना ज़्यादा डिपॉजिट हो जाए कि उसको रिमूव करवाना पॉसिबल ही ना रहे तो फिर हम कहते हैं कि अब हमारी जो बैटरी है वो डैमेज हो चुकी है अब इसका इस्तेमाल नहीं हो सकता आइए स्टूडेंट्स फर्दर इस टॉपिक से रिलेटेड एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस उनको डिस्कस करते हैं जी स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर फोर्टीन पार्ट डी एक्सरसाइज का है लेड अक्यूमुलेटर डिजायर्ड एंड अनडिजायर्ड फीचर्स यानी वो फीचर्स जिसकी वजह से हम इस बैटरी को सिलेक्ट करेंगे यानी इसके बेस्ट फीचर्स और ऐसे कौन से फीचर्स हैं जिसकी वजह से या इसके ड्रॉबैक्स कौन से हैं ठीक है वो दो डिस्कस करने हैं तो सबसे पहला फीचर हमारे पास लेड एक्यूमिट एक्यूमलेटर का क्या है दैट इट इज अ रिचार्जेबल बैटरी ठीक है इट स्टोर्स एनर्जी ठीक है स्टोरेज बैटरी है और आपको एक दफा ये बैटरी चार्ज हो जाए तो फिर आपको जब भी इलेक्ट्रिक करंट की जरूरत होगी तो ये आपको सप्लाई करेगी ठीक है नेक्स्ट इसका फीचर है कि इसका वोल्ट तो कम होते हैं लेकिन इन वोल्ट से जो ये करंट प्रोड्यूस करती है वो अमाउंट ज्यादा होती है टेन एमपेयर करंट प्रोड्यूस करेगी ठीक है लो वोल्टेज दैट इज ट्वेल्व वोल्ट प्रोवाइड्स करंट टेन एम्पियर टेन एम्पियर का करंट ये आ, अच्छी खासी अमाउंट है करंट की आप देखिए कार के इंजन के लिए अगर इस बैटरी को हम इस्तेमाल करते हैं तो कार का इंजन काफी ज्यादा बड़ा होता है ठीक है तो ये उसको करंट सप्लाई करती ताकि इंजन को हम स्टार्ट कर सकें तो लो वोल्टेज पे हमें ज्यादा करंट मिल रहा है ये इसका एक सपोर्टिंग फीचर है अनडिजायरेबल फीचर्स या इसके ड्रॉबैक्स क्या हैं पहला ड्रॉबैक ये है स्टूडेंट्स इसका कि हमने अभी तो पढ़ा था कि हम इस बैटरी को चार्ज कर सकते हैं और ऑन डिस्चार्जिंग ठीक है ये कंप्लीटली रिचार्ज हो जाती है लेकिन स्टूडेंट्स बार बार चार्जिंग और डिस्चार्जिंग से क्या होता है कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट है वो डिकम्पोज हो जाता है और उसको आपको चेंज करना पड़ता है ठीक है तो इससे बैटरी की लाइफ जो है वो इफेक्ट करती है सल्फ्यूरिक एसिड डीकम्पोजिस एंड हैज टू बी रिप्लेस्ड नेक्स्ट पॉइंट स्टूडेंट्स के ज्यादा चार्ज और डिस्चार्ज होने की वजह से एक टाइम आता है कि जो प्लेट्स का जो है स्ट्रक्चर है वो खराब हो जाता है आप देख सकते हैं कि ये वो प्लेट्स हैं कि जब लेड सल्फेट जो है वो बहुत ज्यादा इसके ऊपर डिपॉजिट हुआ हुआ है और दूसरा इनका स्ट्रक्चर भी खराब हो चुका हुआ है तो इसकी वजह से आप कह सकते हैं कि एफिशिएंसी ऑफ लेड ठीक है ड्यू टू चेंज इन स्ट्रक्चर ऑफ प्लेट्स एफिशिएंसी डिक्रीजेस ठीक है और लास्ट पॉइंट इसका कि स्टूडेंट्स अब आप देखें कि हम कहते हैं कि ये जो प्रॉपरली चार्ज और डिस्चार्ज हो जाती है ठीक है लेकिन क्योंकि इस बैटरी को ज्यादातर टाइम जो है डिस्चार्ज स्टेट में गुजारना होता है तो क्या होता है ज्यादा से ज्यादा लेड सल्फेट जो है इलेक्ट्रोड्स पे डिपॉजिट हो जाता है और इतना डिपॉजिट हो जाता है कि आप uh, कई दफा ऐसे होता है कि इसको रिमूव करवाना इम्पॉसिबल हो जाता है और बैटरी डैमेज हो जाती है ठीक है तो एक्सेस डिपॉजिट ऑफ लेड सल्फेट डैमेज द बैटरी यानी फिर यह किसी इस्तेमाल की नहीं रहती ठीक है स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है पोरस प्लेट और सॉल्ट ब्रिज इज नॉट रिक्वायर्ड इन लेड स्टोरेज सेल हमने कहा था कि ये लेड स्टोरेज सेल जो है गैल्वेनिक सेल के तौर पर इस्तेमाल होता है और गैल्वेनिक सेल में हमने देखा था कि सॉल्ट ब्रिज लाजमी इस्तेमाल होता है तो इसमें क्यों सॉल्ट ब्रिज की जरूरत नहीं है उसकी वजह यह है कि स्टूडेंट्स के हमने जो इलेक्ट्रोलाइट यूज किया है वो दोनों इलेक्ट्रोड्स के लिए है यानी इलेक्ट्रोलाइट जो है वो दोनों का सेम है ठीक है सेम इलेक्ट्रोलाइट फॉर बोथ इलेक्ट्रोड्स दूसरी बात स्टूडेंट्स कि जो प्रोडक्ट बनती है हमारे पास एनोड और कैथोड पे वो सॉलिड फॉर्म में और वो उन्हीं के इलेक्ट्रोड्स पे डिपॉजिट हो जाती है इसलिए मिक्सिंग का चांस भी नहीं रहता ठीक है प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज इन सॉलिड स्टेट एंड डू नॉट मिक्स डू नॉट मिक्स इन सोल्यूशन ठीक है तो इस वजह से गैल्वेनिक सेल में बेसिकली सॉल्ट ब्रिज का मकसद ही ये होता है कि हम जो प्रोडक्ट्स बन रही हैं उनको मिक्स ना होने दें या इलेक्ट्रोलाइट डिफरेंट होने की वजह से हम सॉल्ट ब्रिज इस्तेमाल करते होते हैं ठीक है थीके? लेकिन यहाँ केसी सेम इलेक्ट्रोलाइट यूज हो रहा है इस वजह से भी सॉल्ट ब्रिज की जरूरत नहीं है और दूसरी बात हमने कहा कि प्रोडक्ट जो है वो सॉलिड स्टेट में बन रही है और अपने इलेक्ट्रोड्स पर डिपॉजिट होती है इस वजह से मिक्सिंग का चांस भी नहीं होगा लास्ट है हमारे पास लेड एक्यूमुलेटर इज अ अजेबल बैटरी तो स्टूडेंट्स अभी हमने इसका आंसर कुछ यहाँ पर इस तरह से दिया है कि लेड एक्यूमुलेटर में रिएक्शन जो होता है वो रिवर्सिबल होता है आप देख लें कि एक दफा ये रिएक्शन प्रोसीड किया तो हमने उसको इलेक्ट्रोलिटिक सेल बना के उसको रिचार्ज कर लिया ठीक है तो ये आप सारा इस क्वेश्चन के अंदर रिएक्शन के साथ मेंशन कर सकते हैं यहाँ पर स्टूडेंट्स हम अपना लेक्चर खत्म करते हैं अपना बहुत सा ख्याल रखिए अल्लाह हाफिज़